हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। 106 रुपए का शेयर है। आज शुरुआती दौर में एक बड़ी गिरावट आई थी, फिर से बाउंस बैक दिखाया, गिरावट आई, बाउंस बैक दिखाया और इवन अगर देखें तो एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ क्लोज वाला के उतने बड़ा ग्रोथ नहीं है, बहुत ही मिनिमम ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 106 रुपए का शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या कमेंट्री यहाँ पर आ रही है और क्या फ्यूचर इसका प्रिडिक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा पावर 106 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 8.5% का ग्रोथ दिखा चुका है ये शेयर। अब देखिए 97 रुपीज के ऊपर था, एक बढ़िया रैली है, 110 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, नीचे गया, तेजी आई और अभी उसी के आसपास ये घूम रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 200% का ग्रोथ है ऑलमोस्ट, 35 रुपए से। आप देखिए तेजी आई है और ऐसा नहीं कि तेजी के बाद गिरावट नहीं आई, देखिए बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ भी था लेकिन फिर से तेजी दिखाई, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, उससे ज्यादा का बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बड़ी गिरावट आई, बाउंस बैक दिखाया, गिरावट आई, फिर से बाउंस बैक दिखाया। तो देखिए जब भी गिरावट आती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके हैं। और मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ ये जो लेवल है, पिछले एक साल में कम से कम मैं 25 से 30 वीडियो बना चुका हूँ टाटा पावर के ऊपर और हर बार मैं इसीलिए वीडियो बनाता भी हूँ ताकि आप ये गलती ना करें कि अच्छा मैंने 70 पे खरीदा था, अब शेयर 106 पे है तो चलो मैं इसको बेच के प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भैया प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है, बने रहोगे तो 106 का 126 बनेगा, 126 का 175 बनेगा, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। इस बीच में गिरावट जरूर आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आएगी, 106 सीधा 150 में जाएगा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे टूट जाए, लेकिन जब भी टूटेगा आपके पास मौका होगा कि आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके, एवरेज करने का हर बार मौका यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लार्ज कैप शेयर है, 33,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 12.17% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 10.59% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है और इतना ही नहीं एलआईसी के पास भी 5.14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 155% का डिविडेंड पिछले साल भी पे किया था, इस साल भी उतना ही डिविडेंड पे करने वाला है, 1.55 रुपए का। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है और थोड़ा सा 1.5% की होल्डिंग गिर भी है। एक बड़ा खबर यहाँ पर आई भी थी बीच में कि भैया एनएचपीसी के द्वारा 188 करोड़ के आसपास का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा पावर को, ये वाकई में अच्छी बात है भैया कि अच्छा इनको प्रोजेक्ट मिला है, तकरीबन 40 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनको उड़ीसा में बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है एनएचपीसी के द्वारा। उड़ीसा में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, वो भी सोलर पावर का इनको एक अच्छा प्रोजेक्ट है और तकरीबन कह सकते हैं 190 करोड़ के आसपास की कीमत का ये प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर है। और देखिए सोलर में रिन्यूएबल्स में कंपनी काफी बड़े चमत्कार कर रही है और बड़े चमत्कार करने वाली है, इसका अंदाजा आप इस हेडलाइन से लगा सकते हैं। देखिए टाटा पावर गोज बिग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, वहां पर टाटा पावर एक बड़े पैमाने पर खुद को एक्सपांड करेगा और जो ग्रोथ है वो 10 गुना ग्रोथ आप आने वाले 5 से 7 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 गुना ग्रोथ आपको कम से कम 5 या 7 साल के बीच में देखने को मिल सकती है यहाँ पर, और ये अच्छी बात है। देखिए टाटा पावर इज गोइंग वेरी बिग ऑन रिन्यूएबल्स और ये किन का कहना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है टाटा पावर के, उन्होंने बताया है सीएनबीसी को, कंपनी के भैया खुद एमडी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हम आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी में काफी बड़े पैमाने पर चेंजेस करने वाले हैं। अब देखिए काफी तेजी से फास्ट ग्रो भी हम करने वाले, देखिए दैट इट विल ग्रो वेरी फास्ट इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, आने वाले 4 से 5 साल में जो ग्रोथ होगा वो बहुत बड़ी तेजी से इनका बढ़ने वाला है।
और ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर देखिए, टॉकिंग अबाउट टाटा पावर्स प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल सेक्टर, सिन्हा सेड वी विल लुक एट पुटिंग अप अ न्यू ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटी, अवर ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली इन लास्ट ईयर। ही एडेड दैट द फर्म हैज पेंडिंग ऑर्डर अराउंड 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ के पेंडिंग प्रोजेक्ट अभी भी है इनके पास। और आप देखिए भैया, इनकी जो मैन्युफैक्चर कैपेसिटी है वो काफी बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, रूफ टॉप सोलर एंड सोलर पंप आर ग्रोइंग एट वेरी फास्ट पेस, और ये कोई और नहीं कह रहा है, कंपनी के एमडी का ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देखिए, टाटा पावर सिन्हा एक्सपेक्ट टू सी 10x ग्रोथ, मतलब 10 गुना ग्रोथ जो है वो रिन्यूएबल में वो देख रहे हैं आने वाले 5 से 7 सालों के बीच में। वी आर इन प्रोसेस टू इम्प्लीमेंटिंग नियरली 1,200 to 1,300 MW इन फाइनेंशियल ईयर, 500 MW शुड कम इन दिस क्वार्टर एंड अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो जिस तेजी से और जिस पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर आ रही है, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए, द फर्म हैज मैनेज टू रिड्यूस इज डेट बाई 900 करोड़, सॉरी 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ का कर्जा जो है वो ऑलरेडी इन्होंने कम कर दिया है, इज नाउ डाउन टू 35,000 करोड़ फ्रॉम 43,000 करोड़। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखने लगे भैया 8,000 करोड़ कम किए हैं, लेकिन हाँ, जो कर्जा पहले 43,000 करोड़ का था कंपनी के ऊपर, अब वो तकरीबन कह सकते हैं कि 35,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, कंपनी रिन्यूअल्स में काफी बड़े कह सकते हैं कि आप बड़े चैलेंजेस भी ले रही है, और आने वाले समय में कंपनी के एमडी का कहना है कि भैया 10 गुना ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आने वाले 5 से 7 सालों के बीच में। तो ये काफी अच्छी और पॉजिटिव कमेंट्री मैं मानता हूँ इसको। टाटा पावर टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 7% लोग होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू जैसे कि आप देख सकते हैं भाई साहब, बढ़िया तरीके से इम्प्रूव है। पहले देखिए, पहले 6,600 करोड़ के रेवेन्यू थे, सितंबर में वो 8,000 करोड़ के आसपास पहुंचे, लेकिन अब 10,000 करोड़ से ज्यादा के इनके रेवेन्यू है। तो अब देखिए, रेवेन्यू की जो रफ्तार है वो शानदार है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो हालांकि डिक्लाइनिंग मोड पे है, 175 का 132 करोड़ आया, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि एक वन टाइम लॉस यहाँ पर इनको जो हुआ था वो वही यहाँ पर दिखा रहा है, और जो कॉस्ट बढ़ी है इनकी वो भी यहाँ पर हमें देखनी चाहिए। लेकिन रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, और याद रखिए प्रॉफिट और बेहतर हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। और कंपनी की जो मेन स्ट्रेटेजी है, कंपनी का जो मेन फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम सबको पता है कि भाई साहब आने वाले हैं, वक्त लगेगा, 4-5 साल का वक्त लगेगा फुल फ्लेज में आने में, लेकिन कंपनी ने अभी से उसके लिए एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। पूरे देश में अगर हम देखें तो 300 से 400 चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर ऑलरेडी लगा चुके हैं, और साल के एंड तक 600 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका लक्ष्य है। और याद रखिए, आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिफिकेशन होने में इस कंपनी का बड़ा योगदान रहने वाला है। और इतना ही नहीं, इंडिया आने वाले वक्त में बड़ा मैन्युफैक्चर हब बनने वाला है, और भैया अगर मैन्युफैक्चर यूनिट्स ज्यादा होंगे तो उसको चलाने के लिए बिजली भी ज्यादा लगेगी, और वहां पर भी अगर आप देखें तो टाटा पिक्चर में जरूर आता है। हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कंजम्पशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। बिजली की जो खपत होने वाली है वो आने वाले वक्त में ज्यादा होने वाली है, और ऐसे में जो पावर कंपनियां हैं वो डेफिनेटली एक बड़ा चंक यहाँ पर अपने पास ले जाती हुई नजर आ सकती है। टाटा पावर डेफिनेटली बढ़िया फ्यूचर है इनका। हालांकि बीच में खबर भी थी कि टाटा रिन्यूएबल्स का आईपीओ आ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट ने उस सारी खबरों को नकार दिया और कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई आईपीओ नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। तो जब तक मैनेजमेंट की कोई कमेंट्री नहीं आती है रिन्यूएबल्स के आईपीओ को लेकर, तब तक तो हम यही मान के चलेंगे कि टाटा पावर में ही सारी चीजें हैं, और टाटा पावर में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है शेयर की प्राइस के वाइज। तो ओवरऑल बढ़िया कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट की कमेंट्री है, 10 गुना रेवेन्यू बढ़ने की बात जो मैनेजमेंट की है वो काफी शानदार है आने वाले वक्त में। तो ओवरऑल बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ गिरावट आए ऐड करिए,
ठीक है, लेकिन बेचने की कोई जरूरत नहीं है, बेचने की गलती मत करिए, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।